अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक सब दी? कल इंशाल्लाह तला बड़े टाइम तो बाद जावांगे ललिते, तो सुबह 6:50 की ट्रेन लैनी है। हूँ सौन का टाइम है, 4-5 घंटे अपनी नींद पूरी करांगे, तो सुबह इंशाल्लाह तला दोस्तों के नाल ललिते का सफ़र होगा। कल जाके दोबारा काफ़ी टाइम तो बाद कसल चेक करांगे, नाल होर एक दो जिहड़े छोटे छोटे गाँव ने वो विजिट करांगे इंशाल्लाह तला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हूँ सफ़र नमाज कुरान पाक पढ़ के फ्री हुए हैं, तो अपने कौमी लिबास शलवार कमीज़ ते जनाब हूँ तैयारियां ने कि ललीदे वास्ते इंशाल्लाह ताला मुलाकात होंगी सफ़र के दौरान। तो नींद काफ़ी आई है लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। ट्रेन स्टेशन पर बह के हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ दोस्त उत्थे रस्ते पहले सांत स्टेशन एक दोस्त नाल जाएगा अरशद भाई, फिर अगे जाके साढ़े नाल मिडल स्टाफ जाके गुलफराज भाई भी अटैच हो जाए। लो जी फाइनली ललित आ गए हैं गुलफराज भाई की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, उन्होंने फेवरेट शहर फाइनली असी ललिता पहुँच गए हैं। यह ट्रेन सी है लोकल ही सी, 3 घंटे का एक लंबी जर्नी सी। यह ललिता का ट्रेन स्टेशन है, बड़ा खूबसूरत जहा स्टेशन है। सिटी का कुछ हिस्सा है साइड पर भी ट्रेन मेट्रो के, लेकिन ओल्ड सिटी जड़ा है वो सारा दूसरी साइड पर। अच्छा, अल्लाह अल्लाह करके एक हलाल रेस्टोरेंट नज़र आया, हूँ इतने जाके नाश्ता कराएंगे। सर सब्जे की इन फुलों की बड़ी सोहनी खुशबू आ रही। अच्छा, इस साइकिल चला के ना ये सारी पहाड़ी आया, तो सानू पैदल चलन लगे गरीब परेशानी। बंदा आ गया साइकिल चला के आ गया, साढ़े को पैदल नहीं चलिया जाता। बेसिकली असी अपनी जिंदगी नू सोल ते सहल कर ले। पुरानियां दीवारां उस दौर तुसी वेखो कि इन्ना जदीद सीमेंट सिस्टम हर चीज़ नहीं सी। ये तुसी वेखो बड़े पत्थरों के नाल छोटिया ईंटा का भी इस्तेमाल किया गया। अगर मैं क्लोज करा तो यह चेक करो, बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन उस दौर की आज भी एक मुअम्मा है सब वास्ते। अच्छा, एक रास्ता है अंदर वाली साइड तो है गार जी, लेकिन ये हम पता नहीं कि ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा।
ललिता का पुराना गिरजा जिसे ओल्ड कैथेड्रल ऑफ ललिता कहते हैं, जिसे सुरेबैया भी कहा जाता है, स्पेन के इलाके कतलनिया के शहर ललिता में वाक़ है। यह गिरजाघर एक कदीम और तारीखी इमारत है जो 13वीं सदी में तामीर की गई थी। इस गिरजाघर को ना सिर्फ मजहबी इबादात के लिए इस्तेमाल किया गया बल्कि ये ललिता की तारीख और सकाफत का एक अहम हिस्सा भी है। सुरेबैया की तामीर का आगाज़ 1203 में हुआ और इसकी तकमील 1278 में हुई। इसकी तामीर रोमांसिक तर्ज तामीर में की गई जबकि बाद में गौतिक तर्ज तामीर के अनासर भी शामिल किए गए। गिरजाघर का डिज़ाइन सादा मगर मुतासर कुन है जिसमें वसी सतून और बुलंद गुंबद शामिल है। सुरेबैया का शुमार इन गिरजाघरों में होता है जो स्पेन की ईसाई तारीख के अहम गवाह हैं। ये गिरजाघर इस वक्त के सियासी और मजहबी वाकयात का मरकज रहा है। 1707 में हस्पानवी विरासत की जंग वार ऑफ स्पेनिश के दौरान गिरजाघर को फौजी अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया जिसके बाद इसकी मजहबी हैसियत ख़त्म होती गई। आजकल सुरेबैया को एक तारीखी यादगार के तौर पर महफूज किया गया है। इसे 1918 में नेशनल मोनूमेंट करार दिया गया था और आज ये एक सियाहती मुकाम के तौर पर मशहूर है। इस गिरजाघर के इर्द गिर्द का इलाका भी बहुत तारीख से भरा हुआ है जिसमें कदीम किले और दीगर तारीखी इमारात शामिल हैं। ललिता का पुराना गिरजाघर ना सिर्फ एक मजहबी इमारत है बल्कि ये कतालोनिया की तारीख और सकाफत का एक अहम हिस्सा भी है। इसकी मुनफरद तर्ज तामीर, इसकी तारीखी हैसियत और इसका खूबसूरत मंजरनामा इसे स्पेन के अहम तारीखी मकामात में शामिल करता है। ये गिरजाघर आज भी माजी की अक्कासी करता है। इसकी दीवारों में तारीख की कई कहानियाँ पोशीदा हैं। मुस्लिम दौरे हकूमत की बहुत सारी झलक इसमें नज़र आती है। जब मुसलमानों ने स्पेन पे कब्ज़ा किया था तो तब इस गिरजा को मुसलमानों ने अपनी मस्जिद में तब्दील कर दिया था, लेकिन दोबारा जब ईसाइत गालब आई तो उसके बाद इस मस्जिद को दोबारा गिरजा में तब्दील कर दिया गया। आज भी बहुत सारे टूरिस्ट इस गिरजाघर को देखने के लिए आते हैं। किंग्स कैसल दे विच जड़ा हुन आखिरी आखिरी टाइम में हुन असी अपने दोस्त तारक साहब दे नाल हुन अलक्रास एक सिटी एक छोटा जनाल शहर है जिते बादाम ओलिव्स ते मुख्तलिफ चीज़ों की खेती होंगी उधर जावांगे इंशाल्लाह ताला ते बाकी उन्होंने नाल गपशप लावांगे उहदी भी वीडियो बनावांगे तुहाडे नाल। किंग कैसल तो निकल के तारक साहब ने सानू जनाब अपने नाल अलक्रास लेके गए। अलक्रास ललिता सिटी तो तकरीबन कोई 10 किलोमीटर दूर एक छोटा जहा गांव है, बहुत ही खूबसूरत छोटी जी आबादी का एक गांव है। तारक साहब के कुछ और भी दोस्त आए सन जेडे कस्बा एक शहर है तकरीबन उस जगह तो उत्थे बड़ा ही मज़ा आया। तारक साहब ने हॉस्पिटैलिटी की एक अलग ही एक मिसाल कायम की थी। उन्हें अपने हत्थों नाल जनाब साढ़े वास्ते पिंडी गोश्त बनाया, सब्जी बनाई तो चिकन बनाया, नाल फ्रूट सानू दिता क्योंकि फ्रूट ललिता की एक पैदावार है। बादाम बाय बाय ललिता, बाय बाय वापसी का डाउन सफर, बाय बाय मत करिए। लेकिन बहुत मजा आया तारक साहब की हॉस्पिटैलिटी, उनके बच्चे, उनके दोस्त अहबाब, मैं एक पूरी गैदरिंग जी
स्पीचलेस सी, बहुत मज़ा आया। लेकिन इन्होंने दिन जड़ा बड़ा ही अच्छा, अल्लाह पाक उन्होंने रिस्क बच्चे फर्मा बरदार बनाए। इन शाला तला नैक्सट ब्लॉग फिर मिलने हैं, नैक्सट वीक के असी एक कभी होर जगह देख ली उठे, इन शाला तला नैक्सट वीक चक्कर लगा लेंगे। बहुत शुक्रिया, फी अमान अल्लाह, अल्लाह पाक अपनी अमानत रखे। बाय बाय।